स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर मशीन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं एश्योरेंस टैबलेट के बारे में, जिसके यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, साथ ही साथ इसके MRP और किस किस इंडिकेशन में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एश्योरेंस टैबलेट के बारे में, तो सबसे पहले जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका जो कंपोजिशन है, इस फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन स्टर्डियल बैलेट USP 2 mg, यानी दोस्तों इसमें सिंगल मॉलिक्यूल मिला हुआ है जो कि स्टर्डियल बैलेट है 2 mg। अब बात करें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसे अक्यूम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया हुआ है, और बेचने की बात करें यानी सेल करने का कार्य कोए फार्मा इसको दोस्तों सेल करने का कार्य करती है। दोस्तों इसके एक स्ट्रिप में 28 टैबलेट्स आते हैं, यानी एक पत्ता जो होता है दोस्तों उसमें 28 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी MRP की बात करें तो ₹335 इसकी जो है करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों MRP है। बाकी समय के अनुसार दोस्तों MRP बढ़ती रहती है। अब बात करेंगे दोस्तों एश्योरेंस टैबलेट के यूजेज के बारे में, यानी किस जगह पर इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका जो बेसिकली सबसे ज्यादा उपयोग होता है वह फीमेल के इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाने के लिए इसका जो है सबसे ज्यादा उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर इंडोमेट्रियम का थिकनेस सही नहीं रहता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी प्रॉब्लम होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो बच्चे को सही तरीके से प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता है इम्प्लांट होने के लिए। तो ये क्या करती है दोस्तों, एश्योरेंस टैबलेट जो है इंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाने का कार्य करती है, ताकि जो है बेबी सही तरीके से इम्प्लांट हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो अन्य यूज होता है, एक तो हार्मोन प्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT वाले प्रॉब्लम में भी यूज होता है इसका, मेनोपॉज के लक्षणों जैसे हार्ट फ्लैश, नाइट स्वेट, मूड स्विंग, वजाइनल ड्राइनेस, इन सारे केसेस में भी दोस्तों एश्योरेंस टैबलेट का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। कुछ जगहों पर दोस्तों इसका प्रयोग ऑस्टियोपोरोसिस वाले केसेस में भी कुछ डॉक्टर्स इसका प्रयोग करते हैं स्टर्डियल बैलेट का। ये सारे बेनिफिट्स दोस्तों एश्योरेंस टैबलेट के होते हैं, यानी कि दोस्तों इसका जो मुख्य लाभ होता है वह इंडोमेट्रियम के थिकनेस के लिए ही इसका बेसिकली जो है प्रयोग डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एश्योरेंस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस दवा से जो होने वाले सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों वह बिना डॉक्टर की सलाह के ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। बात करें जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें सिर दर्द, मिचली आना या फिर पेट में क्रैम्प, ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखने पे आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। बाकी आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।